तो मुझे अपना नाम पहले बताना है। आपके नाम से इंट्रोडक्शन। या हाय, माय नेम इज़ वैशाली सागर और मैंने अपना मास्टर्स किया है इंडियन फोक डांस में अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु रोमा बैनर्जी। करंटली मेरे गुरु सुमित्रा राजगुरु जी हैं और प्रशांत बाफलेकर सर हैं। उन्हीं के गाइडेंस से ये फोक डिप्लोमा का कोर्स हमने शुरू किया था। जब कोविड हिट हुआ तो मैंने ये ऑनलाइन डिप्लोमा को शुरू किया था और ये कोर्स तकरीबन 12 मिनट में सोल्ड आउट था। आज जो आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग साथ में आए हैं फोक डांस सीखने के लिए। हमारे पास अमेरिका से, यूके से, बेल्जियम से, दुबई से, कनाडा से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हमने पहले 6 महीने ऑनलाइन किया था और लास्ट जो विशारद एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब यहाँ मुंबई आए हैं। हम लास्ट 10 दिन से करीबन 7-8 घंटे फोक डांस कर रहे हैं और आज उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। आज जो नया रिकॉर्ड हुआ है डांस, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब होने वाला है, किस तरह तैयारी की आपने? ओके, तो विशारद एग्ज़ाम के लिए हमने 13 ताली राजस्थान से चूज़ किया, कालबेलिया राजस्थान से चूज़ किया और चेराव मिज़ोरम से। 13 ताली एक बहुत ही स्किल बेस्ड डांस है, इसको समझने में सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर इन्होंने 2.5 महीने में इसको मास्टर करने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर डांस में मंजीरा जो बोलते हैं पूरे शरीर पे बंधे हुए होते हैं और ताल में बजाते हैं, तो वो आज आप देखेंगे। चेराव मिज़ोरम का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है जो हम सब बैम्बू डांस के नाम से जानते हैं। इसमें बैम्बू के बीट्स प्ले होते हैं और डांसर्स उन बैम्बू को खुलते बंद होते हुए में डांस करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग फोक डांस है। और कालबेलिया राजस्थान से है, ये राजस्थान के जो सपेरे कम्युनिटी है उनका फोक डांस है, बहुत एक्रोबैटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो वो भी आपको आज देखने मिलेगा। रामानंद सागर जी की एजेंसी को आगे लेके जाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही बोलूँ ना? हाँ, रामानंद सागर जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ है। इतने बड़े कल्चरल फैमिली, मैं वापस बोलती हूँ, ओके, रामानंद सागर जी की डॉटर इन लॉ होना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है। इतनी ज़्यादा कल्चरल फैमिली को बिलोंग करना इज़ अ प्रिविलेज एंड ये मेरी खुशनसीबी है कि हम हमारा इंडियन कल्चर एज अ बहू ऑफ रामानंद सागर आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, पूरी दुनिया में फोक डांस को अवेयर करवा रही हूँ। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम वापस अपने रूट्स को आएं, हम वापस समझें कि हाउ वी आर सपोज टू लिव, व्हाट इज़ आवर कल्चर, हाउ ब्यूटीफुल आवर कंट्री इज़ एंड हाउ मेनी वेरिड स्टाइल्स देयर आर व्हिच शुड बी लर्नड एंड प्रमोटेड। ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूँ, काट नहीं दोगे? Reality dance shows is a fantastic platform for a dancer, for a choreographer. आपको पूरी इंडिया में फेमस कर देते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डांसिंग कम एक्रोबैट ज़्यादा हो चुके हैं, तो इफ़ दैट कुड बी अ गुड बैलेंस वेयर इट शुड बी मोर डांस एंड लेस सर्कस लाइक, देन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी प्लीजिंग परफॉर्मेंस टू वॉच। हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन ओवर 27 इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल्स। आप बता लीजिए टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, जस्ट टू नेम अ फ्यू। हम हर साल जाते हैं, इस साल अब अभी हम 3 मार्च को जा रहे हैं इटली टू रिप्रेजेंट आर कंट्री। दैट ट्रूप विल बी 14 to 18 ईयर ओल्ड गर्ल्स, तो हमारी कंट्री को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। विद दिस ग्रुप वी आर परफॉर्मिंग ऑन द 8th of January एट NCPA। वहाँ पर फोक स्टाइल्स होंगी लावनी, 13 ताली, कालबेलिया, खोड़िया और घंटू। अदर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा है, अपना जो कल्चर है ना उसके लिए चाहिए। इनफैक्ट इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट अ चैलेंज एट ऑल। द मिनट हमारी टीम एंटर करती है लोग हमसे प्यार करने लगते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारी स्टाइल्स, हमारी एक्सप्रेशंस इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि प्यार इंस्टेंटली मिल जाता है। जब हम फेस्टिवल से वापस आते हैं थोड़ा सुपरस्टार कॉम्प्लेक्स लेके वापस आते हैं, बिकॉज इतना प्यार हमें यहाँ भी नहीं मिलता। सो टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इज़ ब्यूटीफुल, वी आर वेरी लव्ड। फॉलो
मुझे बहुत अच्छे से बोलना है इसको बंद उर्दू बड़ा मैसेज है, रुक जा बहुत हाँ मेरा एक मैसेज है फॉर एवरी यूथ आउट देयर, एवरी इंडियन आउट देयर, कि बी प्राउड ऑफ वेयर यू बिलोंग. हम इस कंट्री से हैं जिसमें कल्चर की कमी नहीं है. व्हाई आर वी नॉट सुपर प्राउड ऑफ दैट? एवरी अदर डांस फॉर्म इज फैंटास्टिक. आई एम नॉट अगेंस्ट वेस्टर्न डांसिंग एट ऑल. हर चीज़ डांसर को करनी चाहिए, जो जिसमें खुशी मिले वो करनी चाहिए. बट आई रियली स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो हमारी यूथ है, प्लीज लुक मोर टूवर्ड्स वॉट वी आर एंड स्टॉप एपिंग द वेस्ट, बिकॉज जो हमारे पास है वो हम ही बेस्ट कर सकते हैं. सो वाई नॉट बी इंडियन एंड बी प्राउडली इंडियन एंड प्रमोट आर कल्चर नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड. मैं आपको मेरा एलए का एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं ना अभी एलए गई थी पूरे वाइट टीम को सिखाने, अमेरिकन से सारे. उनकी यूनिवर्सिटी में मैंने दो इंडियन पीस बिठाए थे, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ. मैंने तकरीबन 500 अमेरिकन्स को डांस सिखाया था. हाँ, यहाँ तो सब इंडियंस हैं, पर अगर आपको अमेरिकन को डांस सिखाना तो वो भी स्टोरी है मेरे पास. ओके ओके या बट इंडियंस या आल डू दैट. सो इस फोक डिप्लोमा के लिए लोग सब जगह से आए हैं. हमारे पास लड़कियां बेल्जियम से, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, दुबई से, फिर इंडिया में बैंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, गोरेगांव से, सब जगह से लड़कियां यहां आई हैं. वी हैव वन बॉय ऑल्सो हुज कम ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम टू लर्न. But these are all Indians trying to learn our culture. और आज उनकी विशारद एग्जाम है. अभी आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? आने वाले प्रोजेक्ट्स में टू स्टार्ट ऑफ विथ आज एग्जाम है. हमने जस्ट लास्ट वीक 600 पार्टिसिपेंट्स, 2000 ऑडियंस के 3 शो किए इन मुंबई एट बाल गांधर्व रंग मंदिर. 8 तारीख को, जनवरी को, वी आर परफॉर्मिंग एट NCPA. 3 मार्च को वी आर गोइंग टू अग्रीजन टू इटली to represent India in yet another international folk dance festival. So yeah, 2023 is looking very good. I told that. Acha. Abhi haali mein I was invited to the BYU University, Salt Lake City, America. Wahan pe they gave me the responsibility to teach their A team 2 Indian pieces. वहाँ मैंने 13 ताली सिखाया और अ वेरी क्रिएटिव पीस ऑन लॉर्ड गणेशा. उनका परफॉर्मेंस हुआ था 2 दिसंबर को टू फुल हाउस ऑफ 10,000 पीपल एंड ये पर्टिकुलर इवेंट वॉज क्लोज बाय अवर इंडियन पीस. आज हम 13 ताली का एग्जाम ले रहे हैं और कल बेलिया का और छेराव फोक डांस. हम एक साल से सीख रहे हैं वैशाली मैम से एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली बीइंग इन कोविड. आई डिस्कवर्ड हर ड्यूरिंग कोविड, इवन 1 ईयर बिफोर दैट, एंड इट्स बीन अ ब्लेसिंग, अ टोटल ब्लेसिंग टू लर्न फ्रॉम हर. हिंदी में बोलूँ क्या? हम एक साल से सीख रहे हैं वैशाली मैम से और बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया. 2 साल से मैं टोटल सीख रही हूँ, विशारद से पहले भी, और बहुत ही अच्छे टीचर हैं और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं. आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने का है बाहर कंट्री में? कुछ बताइए कैसे रही आप लोग जर्नी इवेंट के साथ? सो मैं दुबई से हूँ और मैम के साथ हमने लास्ट ईयर कोविड टाइम्स में, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि मैम ने ये बैच शुरू किया था. एंड ऑनलाइन जो मैम ने हमें टाइम दिया है, वी आर लाइक 53 हम लोग स्टूडेंट्स हैं. मैम एक साथ
जो हम लोग को देखते हैं उनको ऑनलाइन भी पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं. शी वुड पिक अस आवर मिस्टेक लाइक दैट. और वो इतना टाइम स्पेंड करके एवरी वीकेंड आई थिंक टू आवर्स हमारी हर सैटरडे संडे हमारी ईच सो चार घंटे हमारे वीकेंड्स पे हमारी क्लासेस होती थी. एंड वी आर प्रिविलेज कि बाय द एंड ऑफ दिस हम लोग सब एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं. और हम ये जो फोक कल्चर है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे. मैं दुबई से हूँ, लाइक दैट शी इज़ फ्रॉम यूके. आई एम फ्रॉम यूके. एक्चुअली मैम ने जब ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया था कभी सोचा नहीं था कि इतना ईजिली मैम ईजिली हम सीख भी सकते हैं. पर मैम ने तो प्रोग्राम इतना ईजी वे में और इतना कन्वीनियंटली सिखाया कि हमें हम ईजिली कर पाते हैं. और अभी हम यहाँ पर आए हैं अभी विशारद के लिए, तो इट्स लाइक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर कंट्री इन यूके. सो मेरा नाम आकांक्षा है, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ. मैं बहुत ही लकीली यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली एक कोर्स नहीं किया पूरे साल का, लेकिन विशाली मैम एलए आए थे और उन्होंने सितंबर में वर्कशॉप्स करी थी लॉस एंजलिस में, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस था. और हमारी वहाँ पे दोस्ती हुई तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया. और यहाँ आके मैं इतना कुछ सीख रही हूँ उनसे, और जिस तरीके से वो सिखा रही हैं फोक डांस को एक बहुत ही एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में दोस्तियाँ हो रही हैं और हम एक दूसरे से मिलेंगे, आगे भी सीखते रहेंगे और आगे बच्चों को भी सिखाएंगे. तो बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पे. माय नेम इज़ अलीरा, आई एम फ्रॉम कनाडा. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स. एंड आई वुड लव टू टेक इट टू कनाडा एंड स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स ओवर देयर. इट्स बीन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वैशाली मैम, एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव एवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस लाइक दिस. माय नेम इज़ स्वप्निल, आई लिव इन Kent, Belgium, but I'm originally from India as well. And I've already been teaching dance, but never learned folk dance until now. So I was really excited when she announced this course to join and learn all these different folk dances that come from different parts of the country, something that you can't learn that easily. So also super excited to meet people from all over the world and finally come together in Mumbai and celebrate what we've been doing online for the longest time. Ma'am has given us the opportunity to meet so many people from so many places. हम लोग सब पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, पर ऐसा ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम पहली बार मिल रहे हैं. प्राउड फील कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के चारों अपनी कंट्री. बहुत मैम ने हमें एम्पावर किया. मैम वैशाली मैम, सुमित्रा मिस, प्रशांत सर, वो हमें एम्पावर कर रहे हैं कि हम ये नॉलेज अपनी कंट्रीज में जाके आगे स्टूडेंट्स को दें और उनको भी टीचर्स बनाएं. सो इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मैम के इन पर्सन मैम से सीखना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. और ये एक जो फोक है इंडिया का, रियल फोक जो मैम सिखा रही है, इट इज़ लाइक अ फॉरगॉटन कल्चर. एंड वी आर रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड टू लर्न दैट फ्रॉम हर. और वो हम आगे लेके जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे. सो यस, थैंक यू.
आके पूछते हिप हॉप है या वेस्टर्न है। अभी मैंने बाहर बात है, फोक की तरफ कोई आता नहीं है ज़्यादा, उनको पकड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा सीखो फिर अगर नहीं पसंद आए तो जाओ। तो कुछ सीखते हैं, उठते हैं, कुछ निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत होती है इस वजह से। तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए इससे। आप लोग जो मतलब अभी देखा जाए तो फोक सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग के साथ और जुड़े लोग। यस सर, प्लीज टेल द मीडिया दैट। यस सर, प्लीज प्लीज, दिस इज आवर इंडियन कल्चर।
तो ये इंडियन कल्चर सब पकड़ के रखें. सर यू वांट टू से दैट ऑन द थिंग.